अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल करेले। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम ऑयल ले रहे हैं विच इज़ 1/4 कप, और उसमें हम 2 मीडियम प्याज डाल के फ्राई कर रहे हैं। हमें तब तक इसे फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। उसके बाद मैं इसमें गार्लिक और चिली क्रश करके डाल रही हूँ और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड ज़ीरा जो कि 1 टेबल स्पून है। देन मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर पाउडर जो कि 1 टेबल स्पून होगा। ठीक है, कोरिएंडर पाउडर डालने के बाद हमें इसमें चिली पाउडर डालना है और फिर चिली फ्लेक पाउडर डाल। अच्छा जी, हल्दी पाउडर डालने के बाद हमने इसमें डालना है नमक हसबे ज़रूरत और टमाटर 2 छोटे साइज़ के। उसके बाद करेलों को करने के लिए हम इसे जो है 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे धूप में रखेंगे नमक लगा के। उसके बाद हम इसे 2 से 3 दफ़ा जो है अच्छे तरीके से हाथ में थोड़े थोड़े करके पानी के साथ निचोड़ेंगे ताकि इसकी कड़वाहट रिमूव हो सके। अब मैं ऑयल में जो है करेलों को फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप धूप आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी धूप नहीं है, छांव है आपके पास, और आप इसे ही बनाना भी चाह रहे हैं, तो आप अवन में इसे जो है कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं। अवन में आप इसे गर्म करके उसके बाद आप इसको निचोड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब मसाले के अंदर मैं यहाँ पर करेले ऐड कर रही हूँ जो कि फ्राइड करेले थे। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर भुनाई करेंगे इसी मसाले के अंदर। हाँ जी, अब भुनाई करने के बाद इसमें मैं बॉयल्ड दाल डाल रही हूँ। बॉयल्ड दाल डालने का मकसद ये था कि अगर हम दोनों को इकट्ठे पकाते तो दोनों की कुक टाइम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए दाल को पहले बॉयल कर लिया ताकि दोनों जो है वो ओवर कुक ना हो सकें। अब इसमें मैंने एक जो है अनियन डाल दिया ताकि थोड़ा सा जो है कच्चे प्याज का जो फ्लेवर है वो इसको इन्हांस करे हमारी डिश के फ्लेवर को, और इसको थोड़ा सा भुनेंगे, जस्ट लिटल बिट। अच्छा जी, इसको भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये थोड़ा सा इसमें ग्रेवी आए या फिर ये थोड़ा सा जूसी हो जाए। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल लिटिल बिट, क्योंकि थोड़ा सा ये ड्राई बनता है, इसमें शोरबा ऐसा नहीं होता। तो ये हमने डालकर थोड़ी देर पकाना है। अब इसको थोड़ा सा लिड के साथ कवर कर देंगे फॉर फ्यू मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए। अब करने के बाद लास्ट में इसमें कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर रही हूँ, और ये हमारा लास्ट स्टेप है। कसूरी मेथी स्प्रिंकल करने के बाद आप इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और 2 मिनट के रेस्ट देने के बाद आप इसे डिश आउट कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि दाल की वजह से करेलों की जो वैसे भी कड़वाहट होती है थोड़ी बहुत कम भी हो जाएगी, और जो इसको निचोड़ेंगे हम 2 से 3 मरतबा उससे भी करेलों की कड़वाहट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो जी, हमारी हांडी के अंदर ये डिश तैयार है, और ये बहुत ही अच्छी बनती है अगर आप हांडी के अंदर बनाते हैं तो। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।